नमस्कार, स्वागत है आपको और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनाली तोमर। बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर इस समय की आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें बड़ी खबर, बीजेपी से रश्मि सैनी का नाम फाइनल किया गया है। इस समय की बड़ी खबर ब्रेकिंग न्यूज, जहां नाम शामिल हुआ है रश्मि सैनी का, बीजेपी से रश्मि सैनी का नाम शामिल हुआ है। बीजेपी से रश्मि सैनी का नाम फाइनल किया गया है। मेयर पद के लिए रश्मि सैनी का नाम फाइनल हो गया है। आपको बता दें कि विद्युत कमेटी की चेयरमैन है रश्मि सैनी और अब उनका नाम जो है फाइनल हो गया है। मेयर पद के लिए रश्मि सैनी का नाम फाइनल किया गया है। तो बड़ी खबर इस समय की बड़ी जानकारी के साथ, जहां बीजेपी से रश्मि सैनी का नाम फाइनल हुआ है। तो फाइनल हो गया है, अब रश्मि सैनी का नाम बीजेपी की तरफ से। आपको बता दें कि मेयर पद के लिए रश्मि सैनी का नाम फाइनल किया गया है। रश्मि सैनी का नाम फाइनल हुआ है, मेयर पद के लिए रश्मि सैनी का नाम फाइनल हुआ है। आपको बता दें कि कई नाम इसमें शामिल थे, लेकिन अब जो है अगर फाइनल लिस्ट की बात की जाए तो अब फाइनल नाम जो है वो रश्मि सैनी का सामने आया है। तो बीजेपी से रश्मि सैनी का नाम फाइनल किया गया है। आपको बता दें कि मेयर पद के लिए रश्मि सैनी का नाम फाइनल हुआ है। तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं विष्णु। विष्णु, आपसे जानना चाहेंगे कि अब जो है रश्मि सैनी का नाम फाइनल कर दिया गया है, पूरी अपडेट आपसे जानना चाहेंगे विष्णु। देखिए, बीजेपी में कसमकस कल से ही चल रही थी कि किसके नाम पर मोहर लगाई जाए। करीबन 4 दावेदार मेयर पद के लिए थे, लेकिन अब जो सबसे बड़ी खबर हाल फिलहाल की है वो ये है कि रश्मि सैनी के नाम पर मोहर लग चुकी है। बीजेपी के जो तमाम जो विधायक थे, विधायक प्रत्याशी थे जो शहर के, वो साथ में बैठे, तमाम चीज़ों पर चर्चा हुई, उसके बाद रश्मि सैनी का नाम है वो बीजेपी की ओर से फाइनल किया गया है। वार्ड 12 से पार्षद है, हाल फिलहाल लाइट समिति एक ही चेयरमैन है रश्मि सैनी। तो कुल मिलाकर उनके नाम पर मोहर अब लग चुकी है, साथ ही नाराजगी भी देखने को मिली। जो कार्यवाहक मेयर हैं सील धवाई, वो भी वहां पर पहुंची थी मुख्यालय, नाराजगी उन्होंने जाहिर की। तो कुल मिलाकर अब जो रिजल्ट है वो उसका इंतजार रहेगा कि क्या रश्मि सैनी, वैसे बीजेपी का बहुमत बोर्ड में है तो अंदाजा यही लगाया जा रहा है कि रश्मि सैनी अब अगली मेयर जयपुर की हो सकती हैं। साथ ही कांग्रेस भी अपनी तरफ से जो है प्रत्याशी यहाँ पर खड़ा करेगी। लगभग जो नाम है वो फाइनल कांग्रेस की ओर से भी सिंघानिया का कर लिया गया है, लेकिन अभी घोषणा उसकी नहीं हुई है। तो अब ये तस्वीर जो लगभग साफ हो चुकी है, अब से थोड़ी देर में जो रश्मि सैनी है वो यहाँ पर पहुंचेंगी, जो रिटर्निंग अधिकारी हैं उनके समक्ष अपना फॉर्म जमा कराएंगे। आपसे ये भी जानना चाहेंगे विष्णु कि ये भी कहा जा रहा है कि अब जो है नामांकन के लिए रिटर्निंग अधिकारी अब इंतजार भी कर रहे हैं। देखिए, 3 बजे तक का समय है कि जब जो नामांकन का फॉर्म जमा कराया जा सकता है। रिटर्निंग अधिकारी सुबह 10:30 बजे से यहाँ पर बैठे हुए हैं, 10 बजे से 10:30 से और 3 बजे तक का जो समय था वो समय तय किया गया था फॉर्म जमा कराने के लिए, लेकिन अभी तक 6 फॉर्म जा चुके हैं यहाँ से, लेकिन अभी तक किसी ने फॉर्म जमा नहीं कराया। क्योंकि देखिए, दोनों ही पार्टियों में चर्चा चल रही थी, रायशुमारी चल रही थी कि किसके नाम को फाइनल किया जाए। बीजेपी ने नाम को फाइनल किया है, रश्मि सैनी को यहाँ पर उम्मीदवार बनाया है मेयर पद के लिए। अब बीजेपी की अब से थोड़ी देर में जो वो रश्मि सैनी है वो तमाम बीजेपी के जो नेता हैं उनके साथ यहाँ पर पहुँचेंगी और अपना जो है नामांकन जो फॉर्म है वो यहाँ जमा कराएंगी। जी विष्णु, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, कांग्रेस की तरफ से ये भी सामने आ रहा है कि कांग्रेस में हेमा सिंघानिया और ममता यादव के नाम पर मंथन चल रहा है, इसको लेकर के क्या जानकारी है? देखिए, कहीं ना कहीं जो मोहर है जो हेमा सिंघानिया के नाम पर लग सकती है, क्योंकि अभी तक जो नाम है वो कांग्रेस की ओर से फाइनल नहीं हुआ है, लेकिन लगभग तय माना जा रहा है कि हेमा सिंघानिया के नाम पर मोहर लग सकती है। साथ ही शील धवाई हैं, वो भी बीजेपी से नाराज हैं, हो सकता है कि वो कांग्रेस के जो नेता हैं उनसे संपर्क करें, क्योंकि कार्यवाहक मेयर वो रही हैं, सरकार ने उनको मेयर बनाया, कांग्रेस के नेताओं के साथ भी उनके संबंध हैं, बातचीत उनसे होती है, क्योंकि 2 बार राज्य सरकार ने उनको कार्यवाहक मेयर के तौर पर जिम्मेदारी दी थी। तो हो सकता है कि जब अगर बीजेपी से बगावत हुई तो कांग्रेस सील धवाई को समर्थन दे सकती है, फॉर्म वहां से भरे जा सकते हैं। तो कुल मिलाकर चीजें अभी कई साफ होना
बाकी हैं, लेकिन बीजेपी ने अपने पत्ते खोल दिए हैं, रश्मि सैनी को यहाँ पर मेयर पद का उम्मीदवार बनाया है। जी जी विष्णु, इस पूरी जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।